दीदी रउआ कहाँ से आवतानी हम तो खेत से आवत बानी रउआ काहे उदास बैठल बानी का बात बा हम पिछला साल फूलकोबी के खेती कैले रही उ अच्छा ना भए बगल वाला दीदी फूलकोबी के खेती कैले बड़ी उनकर अच्छा भेल बा कैसे कैले रही फूलगोभी के खेती की अच्छा ना भइल ओमे का भइल रहे दीदी जे हर साल कैले रहनी वही कैले रहनी लेकिन ओमे कीड़ा मकोड़ा लग गए से कि ना भए वो दीदी बगल में कैले रही फूलकोबी के खेती वो दीदी के बहुत अच्छा भेल उनका में कीड़ा मकोड़ा ना लागल अरे दीदी रुआ बगल वाला दीदी से ना पूछनी कि के कैले रही अरे दीदी उनका से पूछनी तो ऐसा बतौले रही कि बीज उपचार क के खेती करे के अरे दीदी बीज उपचार क के रुआ खेती ना करी लेका अरे दीदी का होला बीज उपचार हमके तो मालूमे नहीं थे अरे दीदी रुआ सही टाइम पर भेट आ गए बानी बीज उपचार कैसे हुई चहली हम बतावा तनी दीदी रुआ बैठी बीज उपचार के सामान हम घर से लेके आवत बानी ठीक बा दीदी जाए रुआ लेके आई देखी दीदी बीज उपचार के सामान हम लेके आ गई दीदी बीज उपचार करे के तो सामान ले देनी बीज उपचार करे के पहले अपन परिचय दीदी दे दी ठीक बा दीदी हम अपन परिचय देवतानी सभी दीदी भैया को नमस्कार हमार नाम अदीना खातून बा घर अलावला बा प्रखंड कल्याणपुर जिला पूर्वी चंपारण रोजा जी का स्वयं सहायता के हम सदस्य बानी ठीक बा दीदी अपन तो परिचय दे देनी तनि रउआ अपन परिचय दे देती तो बढ़िया होते अच्छा दीदी हम अपन परिचय देव तनी हमार नाम सुमित्रा देवी बा घर अलावला प्रखंड कल्याणपुर जिला पूर्वी चंपारण शीतल जीविका स्वयं सहायता समूह के हम सदस्य बनी ठीक बा दीदी रउआ तो परिचय बहुत अच्छा दे देनी अब हम रउआ के बीज उपचार करे के सामान बतावत बानी देखी दीदी 10 ग्राम गोभी के बीज बा देखी दीदी 10 ग्राम मीठा बा देखी दीदी 25 ग्राम केचुआ खाद बा देखी दीदी 20 ml गाय का मूत बा देखी दीदी 100 ml सुसुम पानी बा देखी दीदी ये बीजा इमृत बा दीदी आ सब सामान मिलावे खातिर है बर्तन बा छाने खातिर सूती के कपड़ा बा दीदी अच्छा दीदी रउआ तो सब सामान बता देनी अब विधि बता दीजिए केंगा होई ठीक बा दीदी बीज उपचार के विधि रोक के हम बतावत बानी देखी दीदी 100 ml सुसुम पानी बा इमें 10 ग्राम गोभी के बीज डाला तानी देखी दीदी 10 ग्राम गोभी के बीज डालत बानी देखी दीदी 10 ग्राम गोभी के बीज सुसुम पानी में मिलावतानी सुसुम पानी में बीज काहे मिलावतानी अच्छा दीदी बीज सुता रहेला सुसुम पानी मिलाला से बीज जाग जाला बीज डालला से एगो औरी फायदा बा जौन निमन बीज रहेला न तो नीचे बढ़ जाला और खराब बीज जौन रहेला तौन पानी में ऊपर तैरे लागेला देखी दीदी निमन बीज बा तो नीचे बैठल बा खराब बीज बा के हम छान देव तनी 25 ग्राम केचुआ खाद बा अब में हम मिलावत तनी केचुआ खाद मिलावनी हाँ जैसे कौन फायदा बा केचुआ खाद मिलाला से यही फायदा बा कि बीज के अभी से भोजन मिलेला देखी दीदी अब एमे हम 10 ग्राम मीठा मिलावतानी मीठा मिलावतानी हम
10 ग्राम देखी दीदी दीदी एमे मीठा मिलावला से कौन फायदा बा दीदी एमे मीठा मिलावला से बीज के संपूर्ण भोजन मिलेला एमे हम गौ मित्र मिलावतानी दी से में गौमूत्र में मिला देने अच्छा दीदी एमे गौमूत्र मिलाला से कौन फायदा बा गौमूत्र मिलाला से ये फायदा बा कि बीज रोगमुक्त हो जाला एमे कीड़ा फफूंदा ना लागेला देखी दीदी अब सब सामान में मिला देनी अब एकरा के हम छाने जात बानी अब एकरा के हम छानत बानी देखी दीदी अब बीज के हम पानी में से छान देनी देखी अच्छा दीदी ये तो बीज अब छान देनी अब एकर काथी के न होई अब तो हम छान देनी अब एकरा के 6 घंटा छायादार जगह में रखा जाई ठीक बा दीदी अब तो एक छान देनी छायादार जगह पर रख दी 6 घंटा के बाद आएम तो एकर विधि हमें बता दे ठीक है दीदी मदीना दीदी घरे बानी हाँ दीदी हम घरे बानी दीदी 6 घंटा तब हो गेल अब आगे के विधि बता दी ठीक है दीदी हम रउआ के आगे के विधि बतावत बानी हम रउआ के आगे के विधि बतावत बानी दीदी अब एकरा के हम पसारत बानी फिर के हम पसार देनी अब तय के पसार देनी अब एक आगे काथी हुई देखी दीदी एमे बीजा इमृत अब मिलावल जाई एमे बीजा इमृत अब हम पटावतनी में दीदी बीजा इमृत मिलावला से एमे कौन सी फायदा होता एमे बीजा इमृत मिलाला से रोग मुक्त हो जाई और पौधा जल्दी निकली बीजा इमृत अब मिल गयल अब एक आगे काथी हुई बीज अमृत मिलाला से दीदी अब 12 घंटा एक रखे के बा कि ये बीजा अंकुरित हो जाए अच्छा दीदी ये तो हो गए में कौन सावधानियों बा सावधानी दीदी ये में ई बा कि गर्म पानी ज़्यादा ना होए के चाहिए गर्म पानी सुषमे रहे के चाहिए दीदी बीज उपचार कैला से कौन लाभ बा बीज उपचार कैला से यह लाभ बा कि अधिक उपज होखेला और कीड़ा फफूंद ना लागेला किसान भैया दीदी लोग के कौन संदेश दे भी किसान भैया दीदी से यही अनुरोध बा कि बीज उपचार करके ही करम गोभी के खेती इससे अधिक लाभ उठाई और अधिक उपज पाई बीज उपचार के बारे में हमरा के बनियन बतौनी है एकरा खातिर धन्यवाद धन्यवाद